We were holed up in the restaurant for about 3 hours. In particular, the idea of a Mumbai-style attack, which is essentially what we are seeing here. नमस्कार, पेरिस से आप ये बुलेटिन लाइव देख रहे हैं। इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। मैं बहुत जोर से इस वक्त यहां पे नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आसपास बहुत से लोग हैं और वो ध्यान से मैं देख भी रहे हैं कि यहां पेरिस की सड़क पर हम एक भारतीय चैनल क्या कर रहे हैं। लेकिन इनका दर्द आज की तारीख में अगर कोई समझ सकता है तो मुंबई समझ सकती है, अगर कोई समझ सकता है तो वो भारत समझ सकता है, क्योंकि भारत ने इसी तरह के सीरियल हमले झेले हैं। लेकिन जो हमला हुआ है वो अभी तक का फ्रांस का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, एक बात। दूसरी बात, आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस ट्विटर पर बाकायदा ऐसे मैसेज डाल रहा है जैसे कि उसने कोई बहुत ही अच्छा कमाल का काम कर दिया है। और साथ ही साथ जो आई विटनेसेस यहाँ पर है वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर बाकायदा चिल्लाते हुए ये आतंकवादी वहां हमला कर रहे थे, निर्दोष लोगों को मार रहे थे। साथ ही साथ सीरिया का बदला लिया इस तरह की बात कर रहे थे, क्योंकि जिहादी जॉन को पहले ड्रोन के जरिए मार डाला गया और उसके बाद ये बड़ा हमला हुआ है, सीरियल हमला हुआ है, सुनियोजित तरीके से हुआ है, पूरी रेकी करके किया गया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। कल मैं जब खड़ा था तो वेम्बली स्टेडियम के अंदर था, प्रधानमंत्री मोदी वहां बोल रहे थे, 60 से 65 हजार भारतीय वहां पर थे, प्रगति की बात हो रही थी, साथ ही साथ इतनी खूबसूरत बातें हो रही थी कि वहां एक अलग माहौल था। और आज देखिए, कौन जानता था कि यहां से हम इंडिया 9 बजे लाइव आपके साथ कर रहे होंगे ग्राउंड जीरो से। मेरे पीछे आपको दिखाता हूं, वो जगह है जहां पर सबसे दर्दनाक, सबसे खौफनाक, सबसे बर्बर हमला हुआ है। दूर आपको वहां पर पुलिस वाले नजर आ रहे होंगे, पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही होंगी। ये फ्रांस का वो बताक्लां कॉन्सर्ट हॉल है जहां पर आतंकवादियों ने घुसकर 1000 से ज्यादा लोगों के बीच में अंधाधुंध 15 मिनट तक गोलियां चलाईं। वहां सब लोग लहूलुहान हो गए, कुछ लोग शवों के नीचे लेटकर अपनी जान बचाकर वहां से निकले हैं। तो ये जगह पेरिस इस बात की गवाह है कि आतंकवादी कितने खतरनाक हैं और कितना जरूरी है कि दुनिया भर मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक नई जंग छेड़े। अब आप देखने जा रहे हैं पेरिस में खून की होली खेलने वाले आतंकवादियों का पहला संदिग्ध वीडियो। ये वीडियो पेरिस के उस बटाक्ला कंसर्ट हॉल के भीतर का है जहां अमेरिका के कैलिफोर्निया का बैंड ईगल्स ऑफ डेथ मेटल अपना परफॉर्मेंस कर रहा था। भीतर संगीत की लहरी में लोग झूम रहे थे और कई फिदायीन हमलावर चुपचाप कुछ इस तरह भीतर गोलियां बरसाने की तैयारी कर रहे थे। इस वीडियो में दिख रहे इस साये को आतंकवादी बताया जा रहा है। ये कैमरे पर कुछ देर के लिए दिखता है और उसके बाद तेजी से एक और गायब हो जाता है। फ्रांस पर हुए इस हमले ने 2008 में 26/11 को हुए मुंबई हमले की यादें ताजा कर दी, क्योंकि इस हमले में भी इस थिएटर के भीतर लोगों को बंधक बना लिया गया और फिर उन्हें मारा गया, ठीक मुंबई हमले की तरह। अब हम आपको दिखाते हैं मौत के थिएटर का एक और वीडियो। थिएटर के बगल की इमारत में रहने वाले एक इंसान ने अपनी खिड़की से झूलते हुए ये वीडियो बनाया। इस वीडियो में थिएटर के भीतर गोलियों की आवाजें सुनी जा सकती हैं और बेबस भागते इंसानों की चीखें भी। ये चीखें साफ बता रही हैं कि थिएटर के भीतर किस तरह मौत बरस रही थी। लोग थिएटर के पिछले दरवाजे से भागते हुए निकल रहे थे, लेकिन कईयों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। देखिए, कुछ लोग थिएटर की पहली मंजिल में खिड़की से लटके हुए हैं, शायद किसी भी तरह हमलावर कातिल आतंकवादी की नजरों से बचना चाहते हैं। सुनिए खौफ और मौत की एक गवाही। We managed to escape through a door that was right on the stage and we hid there for 2 hours. 25 people in a room, all stacked one against the other, crouching and hearing Kalashnikov shots. It was as if people were being tortured. They were hurt because they were being shot. Des torturés, les gens avaient mal parce que se faisaient tirer dessus. Au bout de 2 heures, on a entendu. After 2 hours, we heard names and first names. It was a SWAT team or something, the cops, and they asked us to get out with our hands up to move out those who were wounded, and we went out. They protected us. It was a bloodbath.
It was a slaughter. Dead people everywhere. C'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout. On vit un cauchemar, on ne sait pas, on a l'impression de... We're living a nightmare, we don't know. It wasn't like reality, it wasn't real. We don't really know what just happened to us, really. There are just bullet sounds ringing in my head and the carnage. Retentissent dans ma tête. अब तक साफ हो चुका था कि पेरिस पर आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन ये हमला एक साथ 6 जगहों पर होगा, ये शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये सीरियल अटैक था। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति होलांदे उस वक्त नेशनल स्टेडियम में जर्मनी के साथ दोस्ताना फुटबॉल मैच देख रहे थे। अब देखिए इस हमले का ये तीसरा खौफनाक वीडियो, रात 9:16 का। अचानक फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम एक कान फोड़ू धमाके से हिल उठता है। लेकिन लोगों को लगता है शायद पटाखे फूट रहे हैं, खेल चलता रहता है। लेकिन उसी वक्त स्टेडियम के बीचों बीच वीवीआईपी खेमे में बैठे फ्रांस के राष्ट्रपति होलांदे को खामोशी के साथ फ्रांस की सीक्रेट सर्विस हटा देती है। वो अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन स्टेडियम में बैठे 80,000 दर्शकों को उस वक्त तक भी कोई भनक नहीं लगती कि बाहर पेरिस की सड़कों पर कत्लेआम मचा हुआ है, बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इसी तरह कुछ और वक्त बीत जाता है, घड़ी बजाती है रात 9:19 और इसी वक्त खेल के दौरान होता है बाहर दूसरा बड़ा धमाका। अब खिलाड़ी कुछ वक्त के लिए चौंक जाते हैं, खेल रोक दिया जाता है, सब हैरान परेशान। उसी वक्त मैच के कमेंटेटर का ये कमेंट आता है, और से सुनिए। लगता है स्टेडियम के आसपास और बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लगता है जर्मनी के खेल को खराब करने के लिए कुछ वक्त पहले उनके होटल में बम की खबर भी फैलाई गई थी, उस वक्त होटल को खाली भी करवा लिया गया था। हम सब सन्न हैं, खेल और गोल के बारे में अब हम क्या सोचते, ये एक बदनसीब दिन था। हम सब स्तब्ध हैं, चकित हैं। अब तक स्टेडियम के भीतर बैठे दर्शकों को ये साफ हो चुका था कि पेरिस आतंकवादी हमले से जूझ रहा है। स्टेडियम के दो प्रवेश द्वार और वहीं मौजूद मैकडॉनल्ड रेस्तरां के पास फिदायीन हमलावरों ने खुद को विस्फोटक लगी बेल्ट से उड़ा लिया। ये धमाके उसी विस्फोट के थे। तो क्या इस हमले के निशाने पर खुद फ्रांस के राष्ट्रपति थे? Un acte d'une barbarie absolue. À cet instant, 127 morts et de nombreux blessés. फ्रांस स्तब्ध था। स्टेडियम में मौजूद 80,000 लोग हैरान परेशान। इन सभी लोगों को धीमे धीमे सुरक्षित बाहर निकालना भी एक कम चुनौती नहीं थी। इस पूरे काम में 2 घंटे से भी ज्यादा लग गए, और देखिए कैसे इन सभी 80,000 लोगों ने एक दूसरे को ऐसी आपातकालीन घड़ी में एक सूत्र में पिरो लिया। बिना कहे हजारों लोग एक साथ फ्रांस का राष्ट्रगान गाते हुए बाहर निकले, जैसे कहना चाह रहे हो कि आतंक से हम नहीं डरते। पेरिस में चारों तरफ सायरन की आवाजें गूंज रही थी, एम्बुलेंस इधर उधर दौड़ रही थी। काले कपड़ों में आए 8 हमलावरों से पेरिस की पुलिस और कमांडो भी जूझ रहे थे। कौन कहां है, किस हाल में है, किसी को पता नहीं चल पा रहा था। हम आपको इसी वक्त का एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में एक सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी रुकी हुई है, उसमें से एक आदमी नीचे गिरा हुआ है, शायद उसे गोली लगी है, और दूसरा इंसान जिंदा है लेकिन बुरी तरह घबराया हुआ है, पुलिस को बुला रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है। और देखिए किस तरह उसी पलों में पुलिस की कई गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और इस इंसान को बचा लिया जाता है, लेकिन उसका साथी शायद दम तोड़ चुका है, वो मर चुका है। उसी वक्त खबर आती है कि 8 में से 7 हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया, उनका सुसाइड मिशन पूरा हो चुका था, और एक हमलावर शायद मार गिराया गया। चश्मदीद बता रहे थे कि ये हमलावर बेहद कसे हुए काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे ढके नहीं थे। ये सभी हमलावर सीरिया का बदला लेने वाले नारे लगा रहे थे। वो बंदूक का घोड़ा दबाने से पहले ये चिल्लाते थे कि सीरिया में फ्रांस ने बम बरसाए हैं और अब वो उसका बदला ले रहे हैं। ये लोग अल्लाहु अकबर के नारे भी लगा रहे थे। जिहाद के नाम पर ये खून खराबा पेरिस में काफी देर तक चलता रहा, और जब आतंकी धुंध छटी तो 100 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे जा चुके थे। बाटाक्लान हॉल में सबसे ज्यादा लोग मारे गए। इसके अलावा यहाँ भी इस हमले में भी मुंबई हमले की ही तरह 4 रेस्तरां और कैफे को निशाना बनाया गया, दर्जनों लोगों को मार दिया गया। मुंबई, मैड्रिड, लंदन और अब पेरिस, आतंकवाद गरज रहा था। हमले के कुछ ही घंटों बाद IBN7 वहां पहुंचने वाला पहला भारतीय न्यूज चैनल बना। हमारे संवाददाता आकाश सोनी ने ग्राउंड जीरो के पास पहुंचकर रिपोर्टिंग शुरू कर दी।
ग्राउंड जीरो पेरिस से आईबीएन 7 के लिए आकाश सोनी की रिपोर्ट। मेरे पीछे आप फ्रेंच पुलिस देख रहे हैं और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ पर कॉन्सर्ट हॉल के अंदर बहुत सारे लोगों को मार डाला गया। यहाँ पर कलाश्निकोव जैसी राइफलें लेकर, ये मैं पेरिस के अंदर हूँ और यही वो जगह है जहाँ पर कॉन्सर्ट हॉल के अंदर घुसकर बाकायदा लोगों को मार डाला गया। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, तकरीबन 15 मिनट तक गोलियां चलाई गई। यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, इतना ही नहीं वो ये भी कह रहे हैं कि वो सीरिया का नाम ले रहे थे। आप ये जानते हैं कि इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर कह के वो चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे और कह रहे थे सीरिया का बदला हम यहाँ पर ले रहे हैं। बम की खबर आने के बाद में पूरा होटल खाली भी करा लिया गया, लेकिन उस वक्त ये किसी के समझ में नहीं आया कि कुछ ही घंटों बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला यहाँ फ्रांस में होने वाला है और एक बड़ा सेल है जो लंबे समय से तैयारियां करके बैठा है और लोगों को इस तरह से अंधाधुंध मारने वाला है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इन्हीं सब कहानियों के बीच में एक व्यक्ति हमें ऐसा भी मिला जिसने उसके पास में मोबाइल था और उसी मोबाइल ने उसकी जान बचा ली। एक कहावत है, जाको राखे साइया मार सके न कोई। फ्रांस के इस इंसान पर यह कहावत फिट बैठती है। जब 8 आतंकवादियों ने पेरिस पर हमला बोला तो वो भी पेरिस की किसी सड़क पर था। ये इंसान फोन पर किसी से बातें कर रहा था, उसे शायद याद तक नहीं कि किससे बातें कर रहा था, लेकिन ये जरूर याद है कि अचानक ही उसके चारों तरफ भगदड़ मच गई। सब लोग चीखते हुए भागने लगे, अचानक दनादन तकती गोलियों की आवाजें आने लगी। उसे अब तक समझ नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है। उसने अपना फोन नहीं काटा, शायद वो जिसे फोन कर रहा था उसे भी समझाने लगा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तभी उसे एक हमलावर दिखा, काले कपड़ों में कैद कमांडो जैसा, हाथों में मशीन गन और घूम घूम कर फायरिंग कर रहा था। जब तक ये इंसान भागता देर हो चुकी थी। अचानक ही उसे अपनी कनपटी पर तगड़ा झटका लगा, चोट लगी और वो नीचे जा गिरा। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उसने अपना फोन देखा उसे झटका लगा। समझ में आ गया कि एक गोली सीधे उसके फोन से टकराई थी। किस्मत देखिए, फोन टूट गया लेकिन अपने मालिक को बचा गया। फोन से टकरा कर ये गोली छिटक कर दूसरी ओर चली गई। हमला हो चुका था, चारों तरफ कुछ उड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैं जमीन पर जा गिरा लेकिन तुरंत ही उठ बैठा। उसी वक्त आप लोगों ने मुझे देख लिया, आप लोग वहां तक पहुंच चुके थे। सो ये देखिए, ये मेरा फोन है जिसने मेरी जान बचाई। देखा आपने, आखिर कैसे इस चश्मदीद का फोन ही उसके लिए बुलेट प्रूफ बन गया, कैसे उसकी जान बच गई या कहें उसे नई जिंदगी नसीब हो गई, लेकिन वो ये हादसा शायद ही कभी जीवन भर भूल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7। वो आईएसआईएस जो पहले सीरिया में लोगों के गले रेतकर उन्हें मार रहा था, जो आईएसआईएस इराक के एक तिहाई से ज्यादा कब्जे हिस्से पर कब्जा कर चुका है, उसी आईएसआईएस की अब हिम्मत इतनी हो गई है कि वो अगर वाकई उसी ने हमला किया है कि वो पेरिस में आकर हमला करे तो ये दुनिया भर के लिए और दुनिया भर के सभ्य देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ा खतरा है। जरूरत है एक होकर इसका मुकाबला करने की। तेरह नवंबर की रात यूरोप का दिल कहे जाने वाली फ्रांस की राजधानी दहशत से दहल गई। स्टेडियम में फुटबॉल का फ्रेंडली मैच देख रहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति खुद इस हमले के चश्मदीद। कहा तो यहां तक जा रहा है कि खुद फ्रांसवा ओला इस हमले के निशाने पर। जब अफरा तफरी थोड़ा थमी तो हर तरफ बस एक ही सवाल था, इस हमले का जिम्मेदार कौन है, और जल्द ही दुनिया को इसका जवाब मिल गया। मिडिल ईस्ट में दहशत का दूसरा नाम बन चुके आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी। अपने बयान में आईएसआईएस ने कहा है कि फ्रांस और उसके सिद्धांतों पर चलने वालों को समझ लेना चाहिए कि वो इस्लामिक स्टेट के असली टारगेट, उन्हें आगे भी हमारे खिलाफ जिहाद छेड़
हमारे पैगंबर के अपमान की हिमाकत करने और फ्रांस में इस्लाम से जंग और खलीफा के साम्राज्य में हवाई हमले करने के लिए मौत का कहर झेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अपने बयान में आईएसआईएस ने जाने पहचाने लहजे में अब शब्दों का भी जमकर इस्तेमाल किया है। पेरिस को अश्लीलता और वेश्यावृत्ति की राजधानी करार दिया है और अपने हमलावरों को खलीफा के वफादार सिपाही कहा है। मजे की बात यह कि सीरिया के राष्ट्रपति बसर अल असद ने भी इस हमले को फ्रांस की सीरिया पॉलिसी का नतीजा करार दिया है। C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde. लेकिन आईएसआईएस का यह हमला उसके बाकी कारनामों से काफी अलग है। इस हमले को फ्रांस पर ही नहीं पूरे यूरोप पर खतरनाक हमले की तरह देखा जा रहा है। हमले की तुलना मुंबई के 26/11 और न्यूयॉर्क के 9/11 के हमले से की जा रही है। पूरी दुनिया में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कुछ हद तक बुश के ही अंदाज में आतंकियों से बेरहमी से बदला लेने का संकल्प दोहराया है। Because the French and the British and the American and the Western allies have now decided that it is time to take on IS, and that's why they have started the firing on IS and they wanted to fight. So IS is taking revenge, and I think it is the time now to define the fight against terrorism by all nation and address it. हमले के बाद फ्रांस में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। फ्रांस की सरकार भी हमले के बाद सक्रिय हो गई है। सोमवार को फ्रांस की संसद में भी इस हमले पर ही चर्चा होगी। अब देखना होगा कि अपने ऐलान के मुताबिक फ्रांस कितनी तेजी से और कितना हमलावर होता है। अहम ये भी है कि उसे इस कार्रवाई में अमेरिका और नाटो देशों से कैसी मदद मिलती है, क्योंकि सीरिया और दूसरे देशों पर आतंक के खिलाफ कार्रवाई में वो भी अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IVN 7। मैं मैड्रिड गया हूँ, मैंने पेरिस में यहाँ पर इन हमलों को आकर एक भारतीय पत्रकार के रूप में सबसे पहले देखा। मैंने मुंबई का दर्द देखा है और मैं लंदन में वही था उस समय ब्रिटेन के अंदर जब वहां पर 2005 में हमले हुए थे। हर बार जब भी ऐसा बड़ा आतंकी हमला होता है तो हम जैसे रिपोर्टर्स यहाँ से रिपोर्ट करते हैं। यहाँ ओबी वैन्स लगी हुई है, आगे देखिए एक के बाद आपको ढेर सारे कैमरे नजर आएंगे, मीडिया का पूरा हुजूम इकट्ठा हो जाता है, न्यूज चैनल्स बहुत सारी खबरें देने लगते हैं, आप सब भी देखते हैं और 8-10 दिन में सब कुछ भूल जाते हैं। जरूरत है कि भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड ऐसे देश मिलकर आगे बढ़े और आतंकवाद के खिलाफ वर्ल्ड वॉर छेड़े। उसके बिना जब तक ऐसे देशों के अंदर उन जगहों पर कार्रवाई नहीं होती जहां आतंक की फैक्ट्री है, उसके बिना ऐसे लोगों को आप नहीं रोक सकते जो अपनी जान छोड़कर, जान न्योछावर करके कई मासूम लोगों की जान लेना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कर्मा वांगड़ी के साथ आकाश धोनी,